गाइस, तो आज है डे 27 और डे 27 का गाइस पहला क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जेएनयू 2021 SSS का। तो चलिए गाइस, डे 27 का पहला क्वेश्चन जो कि जेएनयू SSS 2021 क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है कि कॉप डिक्लेयर्स प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू इज इक्वल टू ए एल पे पावर हाफ के पे पावर हाफ व्हेन ग्रोथ रेट्स आर 1% 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली फॉर टेक्नोलॉजी लेबर एंड कैपिटल। फाइंड द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी व्हेन आउटपुट इज क्यू। ठीक है, तो गाइस आपको बेसिकली यहाँ पे जो है ग्रोथ रेट गिवन है 1% किसका, टेक्नोलॉजी का, 2% किसका, लेबर का, और 3% किसका, कैपिटल का। तो आपको बेसिकली बताना है कि जो ग्रोथ रेट है इस इकोनॉमी का वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे गिवन क्या है, दैट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू ए एल पे पावर हाफ के पे पावर हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दैट इज लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टर्म दैट इज ए एल पे पावर हाफ के पे पावर हाफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग क्यू इज इक्वल टू जस्ट लॉग ए इंटू बी इंटू सी, सो दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, सो दैट इज लॉग ए प्लस लॉग एल पे पावर 1/2 प्लस लॉग के पे पावर 1/2। ठीक है, तो गाइस इसी को जो है मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, दैट इज लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग एल पे पावर हाफ प्लस लॉग के पे पावर हाफ। बट गाइज हम लोग जानते हैं लॉग का रूल, ये जो 1/2 है ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, सो गाइज जस्ट रिमूव 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आगे की तरफ आ जाएगा, सो यहाँ पे बन जाएगा हाफ, यहाँ पे भी बन जाएगा हाफ। अब गाइज लो टाइम लॉग डेरिवेटिव, तो आप जब टाइम लॉग डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/a एंड dA/dt प्लस 1/2 लॉग एल का डिफ्रेंसिएशन 1/l dL/dt प्लस 1/2 एंड 1/k dK/dt। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 1/q dQ/dt। ओके गाइस, यही तो है ग्रोथ रेट। ठीक है, तो जो आउटपुट का जो ग्रोथ रेट होगा दैट इज ग्रोथ रेट इन टेक्नोलॉजी, ये आपको रिफर है टेक्नोलॉजी, और आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 1%। ठीक है, दैट इज 1%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 इंटू dL/dt इंटू 1/l, दिस इज अ ग्रोथ रेट इन लेबर, और ग्रोथ रेट इन लेबर आपको गिवन कितना है, 2%, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 प्लस 1/2, ये आपका क्या हो गया dK/dt इंटू 1/k, ये आपका क्या हो गया कैपिटल, ग्रोथ इन कैपिटल, और ग्रोथ इन कैपिटल आपको गिवन कितना है, 3%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 × 3। तो गाइस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 3.5%। ठीक है, 3.5%, तो गाइस 3.5%। ठीक है, तो ये आपका 3.5% गिवन है आंसर में। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम मिले, आपको सिंपल एक प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन हो और आपको अगर ग्रोथ रेट अगर गिवन हो कि लेबर की ग्रोथ रेट गिवन हो, कैपिटल की गिवन हो, और कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी की अगर गिवन हो, अगर आपको पूछा जाए कि ओवरऑल ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी क्या है, तो गाइस सबसे पहले आपको उसको लॉग में कन्वर्ट करना होगा, तभी गाइस फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देन यू आर इन पोजिशन टू से दैट कि ओके दिस इज द ग्रोथ रेट। ठीक है, ओके ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आपको बेसिकली गिवन है कि एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज 30 rupees एज कैपिटल, 45 worker एज लेबरर,
टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट एट 0.4, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.3 एंड आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल इज 0.7, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉब डगलस। ठीक है, तो गाइस कॉब डगलस हम लोग जानते हैं, कॉब डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है दैट इज लेबर इंटू कैपिटल और लेबर पे पावर कॉन्स्टेंट ए एंड बी। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल और सम अदर फैक्टर, लेट से दिस इज ए। ठीक है, तो ए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस का, वही आपको निकालना है। आपको सारा चीज गिवन है, कैपिटल का वैल्यू कितना है, कैपिटल इक्वल टू आपका 30 है। ठीक है, कैपिटल का वैल्यू कितना है 30, ओके। और उसी तरह से लेबर की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू 25। ठीक है, और ये जो गैस पावर होता है ना, एल पे पावर ए और कैपिटल पे पावर समथिंग, ठीक है, तो ये जो पावर होता है ये बेसिकली डिनोट करता है इलास्टिसिटी को। और यहाँ पे वही चीज़ आपको गिवन है कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज 0.3, तो लेबर के ये जो लेबर है, ये लेबर के जस्ट जो पावर है ना, जस्ट जो पावर है ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को डिनोट करता है। बट आपको क्वेश्चन में गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ लेबर की वैल्यू 0.3 है, सो ए की वैल्यू क्या है 0.3। उसी तरह से कैपिटल का बी की वैल्यू आपका 0.7 है और ए इज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर और ए की भी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.4। गाइस सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ए एल पे पावर ए के पे पावर बी, ए की वैल्यू क्या है 0.4, एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू 25। सो 25 और ए की वैल्यू 0.3, सो 25 पे पावर 0.3 और यहाँ पे 30 पे पावर 0.7। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोडक्शन फंक्शन इन फॉर्म द कॉब डगलस सी डी, 0.4 इंटू 25 पे पावर 0.3 इंटू 30 पे पावर 0.7। ठीक है, तो गाइज एक ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, 0.4 इंटू 25 पे पावर 0.3 इंटू 30 पे पावर 0.7। ठीक है, तो ये आपको गाइज याद होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड सी डी फंक्शंस का जो ये फॉर्मेट होता है, ए एल पे पावर ए इंटू के पे पावर बी। ठीक है, ओके गाइज मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको गिवन है कि व्हेन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू इज इक्वल टू ए एल पे पावर 0.5 के पे पावर 0.5। ठीक है, ये आपको गिवन है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सी टी प्रोडक्शन फंक्शंस। और गाइस आपको सारे वैल्यूज गिवन है, ए की भी वैल्यूज पता है, एल की भी वैल्यूज आपको गिवन है 25 और के का भी वैल्यू आपको पता है 64। तो आपको पूछा गया कि बताओ टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब क्यू की वैल्यू क्या है। तो गाइस जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए एल एंड के हियर। ठीक है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू हियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू ए, ए का वैल्यू क्या है 8, सो दैट इज 8 इंटू एल का वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आपका है 25, सो 25 पे पावर 0.5 इंटू के का वैल्यू क्या है 64 पे पावर 0.5। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका वैल्यू 320 आएगा। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व इट और इसका वैल्यू 320 आएगा। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद होना चाहिए कि जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है क्यू इज इक्वल टू ए एल पे पावर लाइक कैपिटल ए और सम अदर लाइक फैक्टर, इट मे बी अ टेक्नोलॉजी फैक्टर, इट मे बी अ सोशल फैक्टर, इट मे बी एनी प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ए की वैल्यू, सो ए एल पे पावर लेट से अल्फा एंड के पे पावर बीटा। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सी डी प्रोडक्शन फंक्शंस और आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, सो जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आपको यहाँ पे 320s जो है गाइस इसके वैल्यूज आएंगे। ठीक है, ओके गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो गाइस
थ्री कोर्स जो है गाइज लाइव है हमारे इकॉन ग्लो इंस्टीट्यूट में। पहला आपका MA MSc इंटीग्रेटेड है 2025 के लिए, ये आपका CUT ISI IIT गेट IIT जेम सबके लिए है। पूरा कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है, पोर्टल एक्सेस है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है और सारा PYQ वीडियो सॉल्यूशन आपको गाइज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसका टाइम गाइज आप देख सकते हैं। उसी तरह से गाइज एक दूसरा कोर्स है जो कि IIT गेट और IIT जेम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है सारे सब्जेक्ट के लिए, और ये IIT और जेम और गेट के लिए जो है स्पेसिफिकली है। और तीसरा गाइज जो कि IIT गेट IIT जेम फाउंडेशन बैच है, ओनली फोकस्ड ऑन IIT सिलेबस, ठीक है। तो ये गेट और जेम के लिए। तो गाइज मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लें। ओके ओके गाइज, थैंक यू।